नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कुशवाहा और मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज YouTube से मेरा Google AdSense पिन आ गया है, जो हर यूट्यूबर का सपना होता है। तो ये देखिए मेरा Google AdSense पिन। इस खुशी के मौके पर आज मैं घर पर ही ओरियो बिस्किट और किचन में मौजूद सामान से ही बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई ओरियो रोल डिलाइट बनाने जा रही हूँ। यह मिठाई देखने में जितना खूबसूरत है, यकीन मानिए खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। और बनाना बहुत ही आसान है, ना ही चूल्हा जलाने की ज़रूरत है और ना ही गैस जलाने की, बस फटाफट बगैर गैस के ही बन जाता है। तो चलिए ओरियो रोल डिलाइट बनाना शुरू करते हैं। ओरियो रोल डिलाइट बनाने के लिए मैं 10 रुपये वाला 5 ओरियो बिस्किट ली हूँ। यहाँ ध्यान रखना होगा कि चॉकलेटी फ्लेवर वाला नहीं लेना है, ओरिजिनल लिखा हुआ ही ओरियो बिस्किट लेना है, नहीं तो सफ़ेद क्रीम नहीं निकलेगा। सबसे पहले मैं 5ों पैकेट से बिस्किट निकाल के एक प्लेट में रख ले रही हूँ। अब मैं एक चाकू की सहायता से बिस्किट का क्रीम निकाल करके बिस्किट और क्रीम अलग अलग प्लेट में रख ले रही हूँ। उसके बाद सारे बिस्किट को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड कर ले रही हूँ। ग्राइंड हो जाने के बाद मोटे तार वाले छन्नी से छान ले रही हूँ। अब इस बिस्किट पाउडर में 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर और 1 इंच कटा हुआ 4 बटर का टुकड़ा डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। बटर और शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं 1-1 चम्मच फुल क्रीम दूध डालते हुए मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ मैं एक टिप्स देना चाहूँगी कि दूध की मात्रा थोड़ी थोड़ी डालकर ही डो बनाना है, वरना डो गीला हो जाएगा। पाउडर को मसल मसल करके मैं रोटी बनाने के जैसा डो बना ले रही हूँ। उसके बाद मैं निकाले हुए क्रीम को एक प्लेट में डाल दे रही हूँ। अब उस क्रीम में 4 बड़े चम्मच नारियल पाउडर, 4 बड़ी चम्मच दूध पाउडर, 2 बड़ी चम्मच पीसी हुई शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मैं पहले ही 1 चम्मच दूध में येलो फूड कलर मिक्स करके रख ली थी, वो डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। येलो कलर से स्वीट और भी निखर कर आएगा। अब इसका परफेक्ट डो बनाने के लिए 1-1 चम्मच दूध डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। स्वीट रोल के बीच में भरने के लिए क्रीम का डो बनकर तैयार हो गया है। मैं इस डो को ढककर रख दे रही हूँ। अब ओरियो बिस्किट से बनाए हुए डो को एक प्लास्टिक शीट पर रखकर हाथों की सहायता से फैला ले रही हूँ। इस डो को हमें चौकोन आकार देना है, तो हाथों और बेलन की सहायता से मैं चौकोन आकार दे रही हूँ। अब मैं फैलाए हुए डो को प्लास्टिक शीट से ढककर और भी पतला बेल ले रही हूँ। चौकोन आकार एकदम परफेक्ट हो गया है। तो अब मैं क्रीम रोल को
जो ढककर रखी थी उसके ऊपर रखकर एक किनारे रखकर प्लास्टिक की सहायता से धीरे धीरे दबाते हुए रोल कर ले रही हूँ। यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों लेयर के बीच में गैप नहीं रहनी चाहिए, तो हल्के हाथों से दबाते हुए रोल करना है। जोर से दबाने पर यह बिखर कर खराब हो जाएगा। अंतिम छोर तक रोल हो जाने के बाद मैं इसी प्लास्टिक की सीट में लपेटकर दोनों छोर पर रबर बैंड से बांध दे रही हूँ। अब मैं इस रोल को सेट होने के लिए रात भर फ्रिज में रख दे रही हूँ। अगले दिन सुबह मैं रोल को गार्निश करने के लिए 2 चम्मच पोस्ता दाने तवे पर हल्का गरम करके कुरकुरा कर ले रही हूँ। इसे ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो जलकर कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं रोल को फ्रिज से निकाल करके रबर बैंड खोल दे रही हूँ। देखिए रोल एकदम अच्छे से सेट हो गया है। तो अब मैं इस रोल को पोस्ता दाने से गार्निश कर दे रही हूँ। अगर आपके पास पोस्ता दाना नहीं है तो आप नारियल पाउडर से भी गार्निश कर सकते हैं। रोल पोस्ता दाने से गार्निश होने के बाद देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब मैं एक धारदार चाकू की सहायता से दोनों तरफ हल्के हाथों से धीरे धीरे दबाते हुए रोल को बीच से काट ले रही हूँ। देखिए हमारा ओरियो स्वीट रोल डिलाइट बाहर से काला और अंदर से पीला कितना सुंदर दिख रहा है। अब मैं इस रोल को छोटे छोटे पीसेस में काट ले रही हूँ। देखिए बिल्कुल हलवाई का बना हुआ मिठाई के जैसा दिख रहा है ना, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अब मैं इस रोल डिलाइट को पिस्ते से गार्निश कर दे रही हूँ। तो इस रक्षाबंधन में घर पर ही होममेड ओरियो स्वीट रोल डिलाइट बनाकर भाई बहन का त्यौहार मनाएं और खुशियां बांटें। और जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो घर पर ही फटाफट ओरियो स्वीट रोल डिलाइट बनाकर खा सकते हैं और दोस्तों को भी खिला सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।